सर मेरी प्राथमिक जांच हुई थी, प्राथमिक जांच में मेरे कथन भी लेख नहीं किए गए थे और जो शिकायतकर्ता था उसका आवेदन बाय पोस्ट आया है और उसने किसी जांचकर्ता के समक्ष कथन भी नहीं दिए गए। कुछ FIR की कुछ गलत रिपोर्ट उसमें कर दी गई थी। मेरा सर गुना की FIR का हवाला दिया है कि गुना में सविता जाटव के द्वारा, जो कि खुद एक सब इंस्पेक्टर थी, उसके द्वारा रिपोर्ट की गई है। जब सर खुद कोई उसी थाने में रिपोर्ट कर रहा है जिस थाने में वो खुद पदस्थ है, तो सर मतलब वो लॉ का उसको ज्ञान है, वो वहां पर मतलब एक विवेचना अधिकारी है, उसके द्वारा ना तो मेरा मोबाइल नंबर बताया गया, ना तो मेरा नाम बताया गया और ना ही मैं कभी गुना में, मेरा कोई कांटेक्ट है ना, मैं कभी गुना में पदस्थ रही हूँ ना मैं गई हूँ गुना। उसके बाद उस केस में साक्ष्य के अभाव में खात्मा लगाया गया है। तो FIR में आपका नाम नहीं? नहीं, मेरा नाम नहीं है। उसके बाद भी जांचकर्ता अधिकारी महोदय द्वारा लेख किया गया है और गुना SP को पत्राचार किया गया कि इस जांच में ये प्रपत्र भेजे जाए, तो गुना SP ने अपने प्रतिवेदन में उस जांच का एप्लीकेशन और FIR और खात्मा रिपोर्ट भेजी है और बताया कि इसमें साक्ष के अभाव में खात्मा लगाया गया है। उसके बाद भी जांच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि शिवांगी कटारी के विरुद्ध गुना न्यायालय में प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। ओके और उसके बाद फिर फर्दर एक और विभागीय जांच हुई जिसमें इसको झूठा पाया गया। जी एक उसके हाँ दूसरी विभागीय जांच हुई, प्राथमिक जांच हुई, तो उन्हीं के द्वारा की गई प्राथमिक जांच और उस फिर उसमें ये मतलब मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि विभागीय जांच आदेशित हुई। विभागीय जांच आदेशित हुई तो मैं उसमें अपीयर हुई और मेरे द्वारा सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए उनको और स्टेटमेंट भी दिया गया, तो उन्होंने ये लिखा कि रीडर के द्वारा भ्रामक तथ्य लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह किया गया है और वो मेरी विभागीय जांच मुझे दोष मुक्त पाया गया और वो फाइल भी की गई। इसी प्रकार जो पहली वाली विभागीय जांच है उस जो प्राथमिक जांच थी उसमें यह भी लेख किया गया कि आनंद कटारे नितिन कटारे के विरुद्ध मेरे द्वारा FIR की गई, जबकि और उसमें वो FIR की कॉपी भी उन्होंने सागर से SP से मंगाई और उसमें जब FIR में किसी राजकुमारी कटारे के द्वारा वो FIR करना लेख किया गया है, लेकिन जांच प्रतिवेदन में गलत लेख किया गया कि वो FIR शुभांगी कटारे के द्वारा की गई है और वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। उसी प्रकार जांच प्रतिवेदन में यह भी लेख किया गया है कि मैं आदतन अपराधी हूँ। आदतन अपराधी सर जिसके आदतन अपराधी उसको कहा जाता है जिसके कि एक से अधिक किसी भी थानों में अपराध पंजीबद्ध है, जबकि मैं एक पुलिस कर्मचारी हूँ और मेरा आज दिनांक तक किसी भी थाने में एक सिंगल अपराध भी पंजीबद्ध नहीं है। उस प्रकार भी मतलब मेरी छवि को धूलमिल करके यह लेख किया गया जांच प्रतिवेदन में कि मैं आदतन अपराधी हूँ। विभागीय जांच में एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत जो संबंधित व्यक्ति रहता है जिसकी जांच की जा रही है उस व्यक्ति को जानने का अधिकार है कि उसके विरुद्ध क्या कथन दिए गए हैं और जांच जो चल रही है उस जांच में क्या क्या कार्रवाई हो रही है, और ये बहुत ही पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है और आवेदक जो शिकायत जिसकी शिकायत की गई है उस व्यक्ति को पूरा बचाव का अवसर भी दिया जाता है। और इस आधार पर आयोग के सामने ये स्पष्ट है कि आवेदिका को ये जानने का अधिकार है कि उसके विरुद्ध जो जांच संस्थित की गई थी उस जांच संस्थित में क्या क्या कार्रवाई की गई है, तो आयोग संबंधित पुलिस अधिकारी को निर्देशित करता है कि आदेश प्राप्ति के 5 दिवस के भीतर इन्हें जो संबंधित उसकी नस्ती का उनको अवलोकन कराया जाए निःशुल्क, और अवलोकन उपरांत इनके द्वारा जो चिन्हित दस्तावेज है वो चिन्हित दस्तावेज इनको प्रदाय किए जाए। अवधिका ने 40 बिंदुओं की जानकारी मांगी है और 40 बिंदुओं की जानकारी देने की अपेक्षा, क्योंकि उसमें बहुत क्रॉस क्वेश्चन टाइप के कुछ विषय हैं, तो उसकी अपेक्षा जानकारी देने की अपेक्षा लोक सूचना अधिकारी से नहीं की जाती है। इसीलिए आयोग जो है इसमें पुलिस विभाग को निर्देशित करता है कि 5 दिवस के भीतर निःशुल्क इनको पहले इंस्पेक्शन कराया जाए पूरी नस्ती का, जान संबंधित जो समस्त दस्तावेज हैं उन समस्त दस्तावेजों का इनको अवलोकन कराया जाए और उन दस्तावेजों की जो प्रमाणित चिन्हित प्रति है वो इनको उपलब्ध कराई जाए